दोस्तों आपको पता होगा कि वजीरएक्स आज तक का हमेशा सबसे ऊपर एक्सचेंज रहा है, टॉप का एक्सचेंज रहा है इंडिया का। लेकिन आज के दिन ये उन एक्सचेंजेस में से एक आ चुका है जो कि सिर्फ ऐसी टोटल पांच ही एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम $0 चल रहा है। ये आप सामने देख सकते हैं, टोटल 250 एक्सचेंजेस यहाँ पे दी गई है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, और इनमें से आखिरी जो पाँच है जिनके ऊपर $0 ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है उनमें से एक वजीरएक्स है। यानी कि वजीरएक्स टोटली खत्म हो चुका है। लेकिन इसकी असली सच्चाई क्या है, क्या यहाँ पे रिकवरी होने वाली है या नहीं, क्या हमारे फंड सेफ है या नहीं, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी अगर हम POR यानी कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की भी बात करते हैं तो वो भी टोटली जीरो ही समझ लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डाटा सामने नहीं आ रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है। कुछ अच्छी अपडेट्स भी आई हैं लेकिन यहाँ पे मैं इस चीज़ को रिलेट कर पा रहा हूँ बाइनेंस के साथ, क्योंकि वजीरएक्स और बाइनेंस का हमेशा झगड़ा चलता रहता था। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि वजीरएक्स के ऊपर यहाँ पे इतना बड़ा जो साइबर अटैक हुआ है, इस बहुत बड़ा हैक हो चुका है, उसके बाद बाइनेंस अब फिर से अनब्लॉक कर दिया गया इंडिया में। और अभी क्या है कि बाइनेंस बहुत अच्छे तरीके से चलने वाला है। एक समय था जब कहते थे कि बाइनेंस से पैसा निकाल लो और वजीरएक्स जैसे एक्सचेंज के ऊपर डाल लो, लेकिन अब क्या कि वापस फिर से बाइनेंस ही चलने वाला है इंडिया में, यानी कि बाइनेंस के ऊपर ही ट्रेडिंग होगी। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम है जहाँ पे आपको हमारी सारी अपडेट्स हमेशा मिलती रहती हैं वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल के ऊपर। तो पिछले लगभग एक दो महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला ड्यू टू सम सीरियस इशूज, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेलीग्राम है वहाँ पे हमेशा अपडेट आपको मिलता रहे, और आज के बाद आपको हमारे यूट्यूब के ऊपर भी हमेशा अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़े पॉइंट्स को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि वजीरएक्स किस तरीके से टोटल $0 के ट्रेडिंग वॉल्यूम पर आ चुके हैं। इसके ऊपर जो एवरेज लिक्विडिटी है ये 1 दिखाई जा रही है। वीकली विजिट इसके ऊपर अच्छे खासे हैं जो कि 3.5 लाख से भी ऊपर चल रहे हैं। मार्केट्स 545 हैं, कॉइंस 294 हैं, पेयर्स INR ही दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी बिल्कुल लंबी लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन वॉल्यूम की। जैसे कि जनरली हम बोलते हैं कि किसी भी इंसान की अगर धड़कन चल रही है, अगर वो उसका जो मीटर है वो ऊपर नीचे जा रहा है, ग्राफ अच्छा बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अलाइव है। लेकिन स्ट्रेट हो जाए तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। सिमिलरली वजीरएक्स आप देख सकते हो यहाँ पे एक तरीके से खत्म दिख रहा है, लेकिन हम ऐसे ही सडनली किसी भी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुँचेंगे। कुछ जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, रिसेंट अपडेट्स आई हैं, उनको भी देखेंगे कि अभी क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं और क्या चल रहा है अभी। तो ये जुलाई महीने की बात है जब क्या है कि मल्टीसिग वॉलेट जो है वजीरएक्स का, जिसमें लगभग $235 मिलियन के आसपास अमाउंट था, वो मूव किया गया एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में। टोटल $470 मिलियन थे जिसमें से $235 मिलियन ऑलरेडी हैक कर लिए गए थे, और इसमें पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज भी थी, यानी कि इथेरियम और शिबा इनू जैसे बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स भी थे जिनका इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे ट्रेड किया जा रहा था। तो जनरली जो मैंने देखा है कि वजीरएक्स के ऊपर BTC की बड़ी वॉल्यूम कभी भी नहीं रही है, लेकिन इथेरियम की हमेशा एक बहुत अच्छी वॉल्यूम रही है, तो इथेरियम भी यहाँ पे हैक हुआ है। और एक चीज़ के ऊपर हमेशा हमें थोड़ा बहुत भरोसा था जब CoinGabbar.com के ऊपर अपडेट्स आ रही थी, यानी कि वहाँ पे हम POR प्रूफ ऑफ रिजर्व्स पूरा देख पा रहे थे, लेकिन प्रूफ ऑफ रिजर्व्स अभी अवेलेबल नहीं है, अंडर मेंटेनेंस दिखाया जा रहा है CoinGabbar.com के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ भी डाटा अवेलेबल नहीं है। एक और चीज़ यह है कि यहाँ पे एक अमाउंट तो बताया गया कि इतना वॉल्यूम स्टील कर लिया गया, लेकिन एक्चुअल में सारी डिटेल नहीं दी गई है वजीरएक्स के द्वारा। तो यहाँ पे कितनी क्रिप्टो करेंसीज, कितना अमाउंट बनता है, क्या स्टील किया गया, यानी कि क्या क्या हैक हुआ है, यहाँ पे पूरी डिटेल अभी तक भी नहीं आई है। और इनके पास अभी कौन सा अमाउंट बचा है ये भी पूरी डिटेल नहीं आई है। और अगर हम बाइनेंस के ऊपर देखते हैं तो बाइनेंस ने हमेशा यही बोला है कि उनके पास 2 गुना 4 गुना इस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज पड़ी है कि अगर कभी ऐसा समय आ भी जाता है, अगर हम सारी क्रिप्टो करेंसीज सेल कर देते हैं या फिर सेल करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा उनके पास इतना अमाउंट रहेगा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $1 मिलियन आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है जो कि सेंट्रलाइज्ड बैंक है या फिर SBI बैंक है, तो वो आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी लिक्विडिटी नहीं रहेगी, लेकिन बाइनेंस के पास इतनी लिक्विडिटी है। तो यही सवाल उठाया जा रहा है वजीरएक्स के ऊपर कि क्या उनके पास अभी कुछ बचा है या बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो वॉलेट एड्रेसेस अभी इन्होंने नहीं बताए हैं और इनके पास कितनी होल्डिंग्स है कुछ डिटेल नहीं आई है। लेकिन इस दौरान क्या है कि अभी वजीरएक्स ने नया एक अपडेट दिया है कि वो अपने वॉलेट्स को अपडेट करने वाले हैं, नए वॉलेट्स रिवील किए जाएंगे बहुत ही जल्द। तो अभी एक रीसेंट अपडेट आया था जिनमें इन्होंने बताया कि माइग्रेट कर रहे हैं जो पिछले बचे हुए एसेट्स हैं उनको लिमिनल टू न्यू मल्टीसिग वॉलेट्स के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा रहा है ताकि अपनी सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा पाएं। लेकिन एक चीज़ इन्होंने अभी बोली कि अभी कोई भी श्योरिटी नहीं है, कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन इनकी तरफ से नहीं दी गई है, और ये तो बोल रहे हैं कि टॉप प्रायोरिटी है क्रिप्टो एसेट्स को सेफ रखना, लेकिन सारी जानकारी अभी भी नहीं दी गई है। तो एक उन्होंने लिंक भी शेयर किया जिसके ऊपर सारी डिटेल दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑन चेन अवेलेबल एसेट्स जो कि अफेक्ट हुए हैं
उनकी ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड यहाँ पे डाटा दिया गया है जो कि इधर स्कैन के ऊपर है। ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, ये आप भी चेक कर सकते हैं। अभी हम चलेंगे इस चीज़ के ऊपर कि बाइनेंस अब वापस आ रहा है, आ चुका है, बाइनेंस का यूआरएल चलना शुरू हो चुका है। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मेरा बाइनेंस कभी बंद हुआ ही नहीं था, हमेशा मुझे ऐप स्टोर के ऊपर बाइनेंस दिखाई है, चल भी रहा था, वेबसाइट भी चल रही थी, ऐप भी चल रहा था। अगर मैं ऐप स्टोर के ऊपर सर्च कर रहा था, ऐप स्टोर के ऊपर हमेशा था। आई डोंट नो ये कुछ सिलेक्टेड यूज़र्स के लिए था या क्या था, मुझे नहीं पता। लेकिन फाइनली जिनका नहीं चल रहा था तो बाइनेंस यूआरएल अभी खुलना शुरू हो चुका है। तो अगर आप अपने एक्सचेंज को, अपने अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं वेब के द्वारा, तब भी बहुत ही ईजी रहता है, वहाँ पर भी आप सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, बाय सेल या फिर कोई भी ट्रेड लगाना चाहते हैं, स्पॉट ट्रेड करना चाहते हैं, हर एक चीज़ वहाँ पर एज इट इज़ सेम टू सेम अवेलेबल है। तो एक्चुअल में अभी क्या हुआ है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU के साथ बाइनेंस ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है और इन्होंने जो फाइन है वो फाइन भी पे कर दिया है, जो कि $2.25 मिलियन का फाइन था क्योंकि इन्होंने कंप्लाई नहीं किया था इंडिया का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस के साथ। इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स बिल भी दिया बाइनेंस को कि उनको इतना पे करना पड़ेगा, जो कि GST बनता है लगभग $86 मिलियन का। अब यहाँ पे मेन चीज़ जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो ये कि अगर बाइनेंस इस तरीके से सही ढंग से चलना शुरू हो गया इंडिया में तो हम बहुत बुरे फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें टैक्स भी पे करना पड़ेगा जो कि प्रॉफिट्स के ऊपर होगा, यानी कि 30% हमें टैक्स देना पड़ेगा और लॉसेस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। हमारा जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट को प्रॉफिट माना जाएगा, लॉस कितना हुआ उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसी के साथ जो हमारा TDS है वो 1% TDS कटेगा ही कटेगा। एक उम्मीद थी कि शायद TDS को कम किया जाएगा, लेकिन TDS बिल्कुल भी ऊपर से नीचे नहीं हुआ है, यानी कि 1% ही पड़ा है अभी भी, 0.1 या फिर 0.001% इतना होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल में जो TDS इकट्ठा करना है वो सिर्फ इसीलिए करना है ताकि हमारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाएँ, हमारे ट्रांजैक्शन को देख पाएँ कि कितने पे कौन सी चीज़ खरीदी गई, कितने पे बेची गई, ताकि ये बाद में चेक कर पाएँ कि हमने कितना प्रॉफिट बनाया। लेकिन इसी के साथ साथ ये 1% के हिसाब से बहुत ही बड़ा TDS के रूप में अमाउंट अर्न कर रहे हैं, जो कि हर कोई क्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि क्लेम तभी होगा जब आप फाइल करोगे, जब आप टैक्स फाइल करोगे। टैक्स फाइल करते वक्त अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो आपको 30% टैक्स तो अलग से देना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से ये TDS और टैक्स दोनों चीज़ें बहुत बुरी हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा, जिसमें हमने वजीरक्स की बात करी, बाइनेंस की बात करी। एंड बाइनेंस अगर हम सही ढंग से देखें तो बाइनेंस अभी इस रूप में वापस आ रहा है कि बाइनेंस ओवरटेक कर देगा लगभग सारी एक्सचेंजेस को, क्योंकि जो चीज़ें बाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बाइनेंस जैसा कोई भी और एक्सचेंज नहीं प्रोवाइड कर पाएगा इंडिया में। चाहे टॉप एक्सचेंजेस की ही बात क्यों नहीं कर लेते, चाहे वो OKX जैसा एक्सचेंज है या फिर अगर हम बायबिट की बात करें, करेकन की बात करें, गेट एक्सचेंज, HTX है, MEX है, बिटमार्ट है, तो इनके सामने बाइनेंस हमेशा सबसे ऊपर रहने वाला है, जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी $12 बिलियन के आसपास चल रहा है। और बाइनेंस हमेशा ट्रस्टेबल एक्सचेंज ही रहा है, हालांकि इनको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं इंडिया में पहले, और इससे पहले क्या कि इन्होंने US में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, जिसकी वजह से इनका CEO अभी सडनली रिसेंटली चेंज हुआ था। और इंडिया में इन्होंने अभी $2.25 मिलियन इतना बड़ा अमाउंट पे किया है एज ए फाइन। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट रिलायबल बाइनेंस अभी रहा ही रहा है। आपका क्या मानना है वजीरक्स के बारे में और आपका कितना अमाउंट फंसा है, नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे वॉफ्टवेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।